हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। जैसा कि आप जानते हैं, जो आज आईपीएल में मैच खेला जाना है मुंबई और पंजाब के बीच में, इस आईपीएल का 50 मैच खेला जाएगा और ये मैच खेला जाएगा मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े के स्टेडियम में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले दोनों के प्लेइंग इलेवन की, साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, जिससे आपकी कोई भी न्यूज़ मिस नहीं होगी। अगर आपने कोई भी न्यूज़ मिस नहीं की तो आप एक बेटर टिप बना के अच्छा विन कर सकते हो। साथ ही हम इस वीडियो में बात करने वाले ड्रीम इलेवन की टीम की और वेव इलेवन की टीम की। तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन का बटन है आप उसे प्रेस कर दीजिए, उससे होगा ये कि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले दोनों की प्लेइंग इलेवन की और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो ये 50 मैच इस आईपीएल का खेला जाना है। ये मैच खेला जाएगा मुंबई के होमग्राउंड वानखेड़े के स्टेडियम में। यहाँ का जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है वो रहता है 170 का, सेकंड इनिंग रहता है 180 का। हम बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस की, तो अब तक 21 मैच खेले गए जिनमें से 11 मैच जीते मुंबई की टीम ने और 10 मैच जीते पंजाब की टीम ने। हेड टू हेड इन मुंबई की बात करें तो 7 मैच खेले गए हैं जिनमें से 3 मैच जीते मुंबई की टीम ने और 4 मैच जीते हैं पंजाब की टीम ने। तो हम बात करते हैं इस आईपीएल की, तो इस आईपीएल में अब तक मुंबई ने 12 मैच खेले हैं जिनमें से मुंबई की टीम ने 5 मैच जीते हैं और 7 में मुंबई की टीम हार चुकी है। वहीं बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब ने भी 12 मैच इस आईपीएल में खेले, 6 मैच पंजाब की टीम जीत चुकी है और 6 मैच पंजाब की टीम हार चुकी है। हम बात करेंगे सबसे पहले मुंबई की प्लेइंग 11 की, तो इवन लेवी सूर्य कुमार यादव आपको कंफर्म ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। रोहित शर्मा, ईशान किशन, जेपी डुमिनी का परफॉर्म इतना अच्छा नहीं रह रहा इस आईपीएल, तो मुझे लगता है अगर मुंबई कोई भी चेंज अपनी टीम में करना चाहती है तो यहाँ पे कायन पुराड़ को वापस टीम में लाया जा सकता है जेपी डुमिनी की जगह। आगे बात करें तो हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और बेन कटिंग का परफॉर्म भी ठीक ठाक रहा है इस आईपीएल। अगर मुंबई एक और चेंज करना चाहती है अपने टीम में तो यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान को वापस टीम में मौका मिल सकता है, क्योंकि जो मुंबई की बॉलिंग है वो बहुत ही कमज़ोर दिख रही है इस आईपीएल में। तो ये एक चेंज हो सकता है, यहाँ पे बेन कटिंग की जगह मुस्तफिजुर रहमान को टीम में वापस लाया जा सकता है। यहाँ पे मिचेल मैकलेनिगन, मैक मार्कंडे और जसप्रीत बुमराह, तो ये प्लेइंग 11 मुझे लगता है आपको आज के मैच में कन्फर्म खेलती हुई नजर आ जाएगी। आगे हम बात करते हैं पंजाब की प्लेइंग 11, तो लोकेश रावल और क्रिस गिल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। मयंक अग्रवाल को पिछले 2 मैचों में मौका दिया गया लेकिन इनका परफॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा इस आईपीएल में। तो ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंजाब के लिए, क्योंकि अगर पंजाब ये मैच हारता है तो प्ले ऑफ में जगह बनाने बहुत ही मुश्किल हो जाएगी पंजाब के लिए। तो यहाँ पर युवराज सिंह को मयंक अग्रवाल की जगह मौका दिया जा सकता है, क्योंकि युवराज सिंह बहुत ही एक्सप्रेस बल्लेबाज और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। एक और ऑप्शन है यहाँ पर नाथ को एक मैच में मौका दिया गया था लेकिन इतना अच्छा इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, तो मुझे लगता है आपको इस मैच में यहाँ पे युवराज सिंह 90% खेलते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ये। आगे मैं बात करूँ तो करुण नायर, एरोन फिंच, स्टोनिस को पिछले मैच मौका दिया गया था मुजीब जादान के जगह। अगर मुजीब जादान फिट होते हैं, और मुझे लगता है मुजीब जादान फिट हो जाएंगे मैच से पहले, और वो आपको 95% ये मैच खेलते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ये पंजाब के लिए। तो मुझे लगता है, क्योंकि आपको पता है मुजीब जादान बहुत ही अच्छे बॉलर है और हर मैच में 2 से 3 विकेट निकाले, तो मुझे लगता है आपको इस मैच में 95% मुजीब जादान खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अगर मुजीब जादान यहाँ पे खेलेंगे तो यहाँ पे स्टोनिस नहीं खेलेंगे। आगे बात करूँ अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, एंड्रू टाई, मोहित शर्मा को पिछले 2-3 मैचों से मौका दिया जा रहा है लेकिन इनका भी परफॉर्म इतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो इनकी जगह वीरेंद्र सिंह को टीम में वापस लाया जा सकता है। और लास्ट में अंकित राजपूत, और मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि पंजाब ने अपना पिछला मैच जो हारा था बहुत ही बुरी तरीके से पंजाब ने अपना पिछला मैच हारा था, तो पंजाब अपने प्लेइंग 11 में 1-2 ऐसे चेंजेस कर सकती है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो आप चेंज के लिए हमेशा तैयार रहना, और एक बार आप मैच से पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना, ताकि कोई भी न्यूज आए दोनों टीमों के बारे में, प्लेयर्स के बारे में या इंजरी के बारे में, ताकि मैं आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकूँ और आप अगर वहाँ पर देख लोगे मैच से पहले तो आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। हम बात करेंगे यहाँ पर मुंबई की लास्ट मैच की, जिन्होंने राजस्थान रॉयल के सामने खेला था। इवन इवन ने बनाए थे 60 रन, 38 रन बनाए थे सूर्य कुमार यादव ने और 36 रन बनाए थे हार्दिक पांड्या ने। बॉलिंग की मैं बात करूँ तो हार्दिक पांड्या ने 52 रन देकर 2 विकेट लिए थे और जसप्रीत बुमराह ने 32 रन देकर 1 विकेट लिया था। हम बात करेंगे यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब के लास्ट मैच की, बहुत ही बुरा गया था इनका लास्ट मैच। 88 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी, जिन्होंने एरोन फिंच ने 26 रन की इनिंग खेली थी, केएल राहुल ने बनाए थे 21 रन और 18 रन बनाए थे क्रिस गेल ने, और एक भी विकेट नहीं ले पाए थे ये बेंगलोर का, क्योंकि बेंगलोर ने 10 विकेट से मैच जीता था। तो मैंने आपको बता दिया कि पिछले मैच में दोनों टीमों में से कौन से प्लेयर जिन्होंने पिछले मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अब हम बात करेंगे इस पूरी आईपीएल की टॉप 11 प्लेयर की, जिन्होंने इस आईपीएल में सबसे अच्छा परफॉर्म किया इन दोनों टीमों में से और सबसे ज़्यादा पॉइंट दिला रखे हैं। फर्स्ट नंबर पर लोकेश राहुल 427.5 पॉइंट के साथ, सेकंड नंबर पर यहाँ पे हार्दिक पांड्या 367 पॉइंट के साथ,
थर्ड नंबर पे सूर्य कुमार यादव 358 पॉइंट के साथ फोर्थ नंबर पे है, यहाँ पे कुणाल पांड्या 287 पॉइंट के साथ। फाइव नंबर पे एंड्रयू टाई 268 पॉइंट के साथ। सिक्स नंबर पे क्रिस गेल 257 पॉइंट के साथ। सेवन नंबर पे यहाँ पे इवन लेविस 234 पॉइंट के साथ। एट नंबर पे यहाँ पे ईशान किशन 224.5 पॉइंट के साथ। नाइन नंबर पे यहाँ पे रोहित शर्मा 215.5 पॉइंट के साथ। टेन नंबर पे करुण नायर 209.5 पॉइंट के साथ। और लास्ट में महिक मारकंडे 181 पॉइंट के साथ। तो ये पॉइंट टेबल मैं आपके लिए इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो सके कि इस आईपीएल में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट में इसका भी बता दिया है दोनों की टीमों के बारे में जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा था कि आप खुद से टीम बना सको। अगर आप खुद से टीम बनाओगे थोड़ा अपना नॉलेज यूज़ करोगे तभी आप जो है अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो ड्रीम इलेवन और वेव इलेवन में और अदर्स ऐप में। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की। तो आप लोकेश राहुल, क्रिस गेल, इवन लेविस, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और ईशान किशन, ये सात प्लेयर ऐसे इनको लोग 80-85% अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रखेंगे। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो ग्रैंड लीग में तो आप हमें रविचंद्र अश्विन, करुण नायर, एरोन फिंच, अक्षत पटेल, एंड्रयू टाई, अंकित राजपूत, बेन कटिंग, कुणाल पांडे और महक मारकंडे, ये नौ प्लेयर ऐसे इनको लोग 10-12% ही अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रखेंगे। अगर आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रखते हो और ये अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको वन साइड लीग ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा ग्रैंड लीग में तभी आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। बाकी आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से जाना चाहते हो तो इनमें से किसी को कैप्टन और इनमें से किसी को वाइस कैप्टन, या आप इनमें से किसी को कैप्टन और इनमें से किसी को वाइस कैप्टन अपने टीम के हिसाब से रख सकते हो और आप एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एकदम फ्री है सब्सक्राइब करना। और अगर सब्सक्राइब करोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। और जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दो, जितने वीडियो पे लाइक आते हैं मोटिवेशन उतना ही मेरा बढ़ता है और मैं आगे आपके लिए और भी अच्छा काम कर पाऊँगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वेव इलेवन की टीम की। वेव इलेवन के बारे में आपको बता दूँ, अगर आपको वेव इलेवन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वेव इलेवन का पर्सनली वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप वेव इलेवन की ऐप को डाउनलोड कैसे कर सकते हो, कैसे आप इसमें साइनअप कर सकते हो मेरे रेफरल कोड के साथ और आपको 100 रुपये का बोनस कैसे मिलेगा। बहुत ही अच्छा ऐप है और 100% लीगल ऐप है। और मैं इस ऐप के बारे में आपको बता दूं कि इस ऐप में आपका प्लेयर मिस नहीं होगा, आप टॉस होने के बाद में अपनी टीम को एडिट कर सकते हो जिससे आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। अगर आपका प्लेयर मिस नहीं हुआ तो लॉस होने के तो चांस नहीं है, आपका प्रॉफिट ही होगा। और इस ऐप में बहुत ही अच्छी बात है कि आपको जितना अमाउंट चाहिए आप उतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। इसमें देख लो आप 1 रुपये तक भी अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी ऐप में ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ वेव इलेवन वालों ने जो है हमें दे रखी है जिससे हम कम से कम अमाउंट भी अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप और एकदम 100% लीगल ऐप है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मुंबई और पंजाब की वेव इलेवन की टीम की जो मैंने आपके लिए पहले ही बना रखी है। तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में मैंने यहाँ पे लोकेश राहुल को पिक किया है, एरोन फिंच, क्रिस गेल, इवन लेविस और रोहित शर्मा, अक्षत पटेल, करुण नायर और यहाँ पे कुणाल पांड्या और यहाँ पर हार्दिक पांड्या, अंकित राजपूत, महक मारकंडे और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह। तो इस टीम ने कैप्टन रखा है इवन लेविस को और वाइस कैप्टन रखा है कुणाल पांड्या को। तो ये मेरी वेव इलेवन की टीम रहने वाली। अगर आपको एक से ज़्यादा वेव इलेवन टीम बनानी है तो आप बना सकते हो, अपने टीम के हिसाब से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो, आप अपने प्लेयर्स भी चेंज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऐप है ये। अगर ये आपको ये ऐप वेव इलेवन का डाउनलोड करना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेव इलेवन की लिंक मिल जाएगी और मेरे रेफरल कोड भी आपको मिल जाएंगे जिससे आप इस ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और मेरे रेफरल कोड को आप यूज़ करोगे तो आपको 100 रुपये का बोनस भी मिलेगा। तो हम बात करेंगे अब ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की टीम की जो मैंने आपके लिए दो स्मॉल लीग की टीम बनाई है क्योंकि कमेंट सेक्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप में बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि भाई आप हमें दो ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की टीम दिया करो, तो मैं आपके लिए दो ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की टीम लेके आई हूँ। तो हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन की टीम्स की। तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, लोकेश राहुल, ईशान किशन और आदित्य तारी। तो आदित्य तारी यहाँ पे नहीं खेलेंगे, ईशान किशन और लोकेश राहुल एकदम से ऑप्शन आपके लिए। लेकिन मैं लोकेश राहुल के साथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं और ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। आप ईशान किशन के साथ एकदम सेफ जा सकते हो, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। हम बात करें यहाँ पे बैटिंग सेक्शन की, तो मैंने तीन बैट्समैन को पिक किया, सूर्य कुमार यादव, इवन लेविस और एरोन फिंच। और ऑप्शन की बात करूँ तो रोहित शर्मा, क्रिस गेल आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। कायरन पोराड खेल सकते हैं लेकिन बहुत ही कम चांस है, वो मैंने आपको बता दिए किस किस जगह खेल सकते हैं। जेपी डुमिनी और कायरन पोराड इन दोनों में से कोई एक खेलने वाला, दोनों का 50-50 रहने वाला है। युवराज सिंह को ज़्यादा चांस में मौका मिल सकता है, तो युवराज सिंह आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है ये 90% ये मैच युवराज सिंह खेलेंगे।
देखिए कितने परसेंट, सिर्फ 3% ही लोगों ने इनको ले रखा। तो अगर आप एक टीम में इन्हें कैप्टन बनाते हो, आपको पता बहुत ही अच्छे प्लेयर और साथ में बॉलिंग भी करा सकते हैं, तो अगर ये बॉलिंग कराएंगे तो आपको बॉलिंग में भी पॉइंट दिला सकते हैं। तो आप एक टीम में इन्हें पिक करके कैप्टन जरूर बनाना, अगर ये खेलेंगे तो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। और ऑप्शन की बात करो तो डेविड मिलर यहाँ पर नहीं खेलेंगे, मयंक अग्रवाल का मैंने आपको बता दिया कि युवराज सिंह, मयंक अग्रवाल, इन दोनों में से कोई एक खेलने वाला है। यहाँ पर कुरुणा खेलते हुए नजर आ जाएंगे, सौरभ तिवारी नहीं खेलेंगे, सिद्धेश नहीं खेलेंगे, मनोज तिवारी मुझे लगता है इस मैच में इनको मौका नहीं दिया जाएगा। अक्षयदीप नाथ का मैंने आपको बोला सिर्फ 1% चांस है, अगर आप रिस्क लेना चाहो तो इनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। और यहाँ पे लुम्बा नहीं खेलेंगे। हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने 3 ऑलराउंडर पिक किया है, हार्दिक पांडे, कुणाल पांडे और रविचंद्र अश्विन। बेन कटिंग का मैंने आपको बताया 90% बेन कटिंग आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन 10% मुस्तफिजुर रहमान को भी इनके जगह मौका मिल सकता है। मार्क एस्टोनिस तभी खेलेंगे जब मुजीब जादन अनफिट रहेंगे, अगर मुजीब जादन फिट रहते हैं तो 100% आपको मुजीब जादन ही इस टीम में खेलते हुए नजर आ जाएंगे, और मुझे लगता है वो 100% खेलेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है ये पंजाब के लिए। आगे बात अक्षर बराड़ आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, यहाँ से 2 प्लेयर नहीं खेलेंगे। तो हम बात करें यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने 4 बॉलर को पिक किया है, एंड्रू टाइम, मिचेल मैकनेलिकन, माइक मार्कंडे और अंकित राजपूत। और ऑप्शन की बात करो तो जसप्रीत बुमराह एकदम सेफ ऑप्शन है, एडम मिले मुझे नहीं लगता खेलेंगे, मुजीब जादरा का मैंने आपको बता दिया फिट रहेंगे तो यही खेलेंगे, सागवान नहीं खेलेंगे, अकेला धनंजय नहीं खेलेंगे, राहुल चहर नहीं खेलेंगे, मोहसिन खान नहीं खेलेंगे। मोहित शर्मा का मैंने आपको बता दिया है कि इनके जगह या तो मोहित शर्मा खेलेंगे या वीरेंद्र सरन के लिए, इन दोनों का 50-50 रहने वाला है। यहाँ पे बेन ट्रेवर्स नहीं खेलेंगे और यहाँ से ये दोनों बॉलर नहीं खेलेंगे। तो हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, तो मैंने इस टीम में कैप्टन रखा है लोकेश राहुल को और वाइस कैप्टन मैंने रखा है यहाँ पे हार्दिक पांड्या को। तो हम बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की, तो यही मेरी स्मॉल लीग की फर्स्ट टीम का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला, इस टीम के साथ मैं खेलने वाला हूँ। हम बात करेंगे सेकंड टीम की, तो इस टीम ने यहाँ पे देखिए विकेट कीपर में चेंज किया, ईशान किशन को रखा है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो केएल राहुल के साथ जाएंगे और वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में, लेकिन अगर केएल राहुल जल्दी आउट हो जाते हैं और ईशान किशन आपको पता बहुत ही अच्छे प्लेयर और ये रन बनाते हैं तो आपको अच्छा अमाउंट विन करा सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा टीमें बनाओ, 3 से 4 या 5 टीमें बनाते हो ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग में, तो आप एक या दो टीम ईशान किशन को जरूर कैप्टन रखना क्योंकि सारे लोग हैं जो लोकेश राहुल के साथ जाएंगे तो ईशान किशन आपके लिए डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्लेयर वो हमने देख ही लिया है। तो और ऑप्शन की और मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने पिक किया क्रिस गेल को, करुण नायर, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और इवन लिविस को। यहाँ पे हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या, एंड्रू टाई, अंकित राजपूत और जसप्रीत बुमराह। तो इस टीम ने कैप्टन रखा है यहाँ पे क्रिस गेल को और वेस्ट इंडीज का सूर्य कुमार यादव को। तो ये मेरी सेकेंड टीम ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की रहने वाली है। बाकी मैंने आपको एक एक चीज़ जो है कंफर्म कर दी, अब आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको दो ये टीम दी आप अपने तरफ से एक दो चेंजेस कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बाकी आपको खुद को नॉलेज है, आप खुद जो है ड्रीम इलेवन और वेव इलेवन हर मैच खेलते हो। वापस से बोल रहा हूँ, खुद से टीम बनाओ तभी आप अच्छा विन कर सकते हो। बाकी जो मैंने आपको दो टीम दिया आप इनके साथ भी जा सकते हो, अगर आपका लॉस हुआ तो फिर भाई मुझे मत बोलना क्योंकि मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की है ताकि आप खुद से टीम बनाओ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना वो एकदम फ्री है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, धन्यवाद।